नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। विभागीय भ्रष्ट एवं लापरवाही के खिलाफ अधिवक्ताओं ने दिया प्रार्थना पत्र। मलाईदार कुर्सी पर जमे रहने का आरोप। कानपुर विकास प्राधिकरण प्रांगण में अधिवक्ता रणधीर सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि जोन एक की लिपिक लेखनी सचान जाजमऊ योजना क्षेत्र में कार्यरत होने के बावजूद जोन तीन रतनलाल नगर योजना एवं इस्पात नगर योजना का कार्य संचालित कर रही है। वहीं दूसरी ओर के डीएवीसी के द्वारा विगत कुछ माह पूर्व जोन एक में ट्रांसफर किया जा चुका है। जोन एक में स्थानांतरण होने के बावजूद मलाईदार जोन तीन में बने रहने के पीछे आखिरकार लिपिक को किसने आदेशित किया? अधिवक्ता रणवीर सिंह यादव ने बताया कि जोन तीन मलाईदार जोन में शुमार रखता है। कानपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी इस बाबत अपनी आंखें बंद रखी हुई है। आखिरकार कानपुर विकास प्राधिकरण एवं आलाधिकारी इस ओर कब ध्यान देकर कर्मचारियों को उनके जोन में स्थानांतरित करने का कार्य करेगी? केडीए में वैयक्तिक सहायक की धमक के जरिए जोन के सभी लिपिक से जबरन वाली कार्यप्रणाली शुरू है, जिसमें आनाकानी करने वाले लिपिक की जोनल प्रभारी से उल्टी सीधी शिकायत करके चार्ज तक हटवाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। अभी हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसमें जोन तीन के लिपिकों को चार्ज आवंटित हुए बहुत दिन नहीं हुए थे, फिर भी चार्ज या कार्यक्षेत्र बदल दिए गए। अपनी धमक के दम पर सभी लिपिक को प्रभावित किया गया, जबकि खुद की तैनाती जोन एक में है और वैयक्तिक सहायक तहसीलदार अर्चना अग्निहोत्री की है। इन्हीं दो आदेशों के बावजूद जबरन जोन तीन की योजना का काम खुद देख रही है। आपको यह भी अवगत करवाते चले कि सभी लिपिकों की योजना कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, लेकिन लेखनी सचान के चार्ज को नहीं परिवर्तित किया गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से अधिवक्ता रणधीर सिंह यादव, अमित शर्मा, आरसी गुप्ता, आरके यादव, सौरभ दीक्षित, अनिल गुप्ता सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। बाइट रणधीर सिंह यादव, एडवोकेट। मैं रणधीर सिंह यादव। कहां पर खड़े हुए हैं? हम केडीए में खड़े हुए हैं और केडीए के खिलाफ जो है, केडीए की एक लिपिक के खिलाफ ये विज्ञप्ति देने आए। और मैडम है लेखनी सजान, जिन्हें अक्सर लोग लेखी सजान के रूप में जो है जाना जाता है। क्या मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है कि उनका ट्रांसफर जोन एक से तीन से जोन एक में कर दिया गया है जी। और वो अपनी मलाईदार सीट को छोड़ना नहीं चाहती हैं जी जी, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं हो रही है। ना जोन एक में पूरा काम हो पा रहा है, ना जोन तीन में हो पा रहा है, क्योंकि दोनों सीटों में काबिज है। क्या ट्रांसफर कितने दिन पहले हुआ है? ट्रांसफर करीब डेढ़ महीने पहले। क्या केडीओ उपाध्यक्ष की बात ना स्वीकार करते हुए किसके दम पर ये अवेलना है? सीधे सीधी बात है, ये ट्रांसफर सरकार उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया ट्रांसफर का अवेलना है। और इस अवेलना की तरीका यही है कि ये तरीका, और सरकार हमारी एक ईमानदार सरकार है ये, और ईमानदार सरकार के लोग इस तरीके करके हमारी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से कोई मांग नहीं करते हैं, प्रशासन तो हमारा जो ठीक काम कर रहा है। अरे ये लिपिक यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ट्रांसफर किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि इनको हटा करके उनकी उचित सीट पर पहुँचाया जाए। अगर नहीं हटती हैं तो आप लोग आगे क्या रणनीति बनाएंगे? आगे की रणनीति तो आगे आपके सामने आएंगे, हम क्या क्या बनाएंगे अब इसको हम डिस्क्लोज आज क्यों कर दें, इससे बड़ी बड़ी रणनीतियाँ होंगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.